दोस्तों होप आप सब अच्छे होंगे मैं शंक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर वन की स्ट्रेटजी अभी अभी रिसेंटली जो डी ट्रीप्लेस बी के एग्जाम हुए हैं उनसे देखो मैं हमेशा आपको गाइड करता हूं ये सोच के कि भाई जैसे अगर मैं मुझे एग्जाम देना है आने वाले टाइम में तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी तो उसी सीरीज में मैं मैंने आपको कंप्लीट पेपर वन का गाइड भी किया था पहले और पेपर टू के बारे में भी गाइड किया है मैंने अभी पेपर वन का और थोड़ा एनालिसिस देखते हैं कि अभी किस किस पैटर्न पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मेन बात वही होती है टॉपर वही बनता है जो एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ पाता है कि हाँ किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसी टाइप, की और उसी टाइप सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के की प्रैक्टिस करना चीजें बताऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है ठीक है इसे मैंने अभी अभी जो फरवरी के अंदर एग्जाम्स हुए हैं उनका लिए लेकर आया हूं देखिए सबसे पहले सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं रीजनिंग की बात करें तो डाइट से क्वेश्चन था विच इज इजी ठीक है जो इजी है जिस पर आप एग्जामिनर uh, अभी इजी दे रहा है जिससे क्वेश्चन आते हैं आपको उन चीजों की प्रैक्टिस करनी है ठीक है पेपर फोल्डिंग है वो क्वेश्चन इजी आता है ओड वन आउट से तीन क्वेश्चन थे वो इजी थे भाई कौन सा अलग है ये पता करना ठीक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे एक क्वेश्चन था वो इजी था ठीक है बडमास के ऊपर तीन क्वेश्चन थे वो तीनों के तीनों इजी ही थे ठीक है ज्यादा ब्लड रिलेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन था वो इजी था ठीक है सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आप देखोगे तो सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर दो क्वेश्चन थे ठीक है है यहां पर खेल है, देखो बीच के अटेम्प्ट करने वाला और सिलेक्शन लेने वाले में डिफरेंस क्या होता है कि यहां पर जो सीटिंग अरेंजमेंट के ना दो क्वेश्चन थे एक आठ परसेंट की सीटिंग थी सर्कुलर अरेंजमेंट में एक पांच परसेंट की सीटिंग थी ठीक है तो पांच छह लाइनों की जो तो स्टेटमेंट है आप उसको पढ़ोगे वो आप निकाल लोगे, बट वो पढ़ोगे तो अब पांच लाइन पढ़ पाना स्क्रीन के ऊपर और फिर वो सीटिंग करना उनका अरेंजमेंट करना मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं आई विल स्किप दिस क्वेश्चन ठीक है सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन मैं स्कीप करूंगा 5 की थी एक लाइन अरेंजमेंट थी लाइन अरेंजमेंट सर्कुलर हो उसमें बहुत दिक्कत होती है दो लाइन की शीटिंग बहुत ये पजल की तरह काम करने लग जाती है बट भाई इनसाइड फेस आउटसाइड फेस लेफ्ट या राइट वो बहुत अब कोई लाइन के अंदर शीटिंग अरेंजमेंट कर रखी है ठीक है लेफ्ट राइट right वो उसके लेफ्ट में बैठा वो उसके राइट में बैठा वो कंपेरेटिवली इजी होती है सर्कुलर अरेंजमेंट में तो आई कैन अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट वन इज रो बेस्ड क्वेश्चन था कि भाई इतने इस साइड से रो में इतने पोजीशन पे बैठा है उस साइड से इतने पोजीशन पे बैठा है इजी है सीरीज से भी क्वेश्चन इजी था क्लासिफिकेशन से भी इजी था और एक है स्टेटमेंट एंड कोज ये न, आपका रिसेंटली आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें आने लगा है ठीक है जो टीचर्स लेती है तो चाहे वो एस एस सी हो या कोई भी एग्जाम हो तो स्टेटमेंट एंड कोज का जो होता है ये बहुत सोच समझ के एग्जाम आंसर देना होता है लॉजिकल क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट एंड कोज इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है पहले जैसे आते था वो चीजें नहीं है इसमें स्टेटमेंट एंड कोर्स टाइप के थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है तो जितने भी अभी तक टीचर्स ने पूछे हैं तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है एनोलॉजिस दो क्वेश्चन दे कहने का मतलब क्या है बीस में से अठारह क्वेश्चन मॉडरेट और इन टाइम होने वाले क्वेश्चन है अगर मैं इन दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन को यहाँ से हटा दू सीटिंग अरेन्जमेंट को आठ की को को और एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट एंड क्योंकि कई बार क्या होता है है अगर वो दे, दे देता है, तो मुझे वो स्किप करनी पड़ेगी ठीक है मतलब टॉपर कौन होगा टॉपर वही होगा जो विदिन टाइम अपने पेपर टू के लिए भी बचे हुए सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम निकाल लेगा मेन बात वही होती है स्किप करना आना चाहिए तो अगर मैं आपकी जगह आपकी जगह अटेम्प्ट करता तो मैं बीस में से अठारह अटेम्प्ट करता क्वेश्चन और वो हम मुझे नहीं लगा कि कुछ स्पेसिफिक आपको मुझे बताना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्योंकि वो इजी टू मॉडरेट ही थे कोई भी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं था जिसके ऊपर स्पेशल मैं आपको मेंशन करूं भाई इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो मतलब जब आप मॉक लगाओगे तो इनकी तो नॉर्मल डाइस पेपर फोल्ड ओड वन आउट इनकी तैयारी हो जाती है ठीक है तो ये था रीजनिंग का एनालिसिस ऐसे ही आगे चलते हैं देखिए जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर आपको तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिले और तीनों के तीनों क्वेश्चन टेबल्स से थे मैंने जैसे मैंने आपको बताया है कि जीके जीएस जनरल अवेयरनेस को कैसे क्या प्रिपेयर करते हैं वैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि की टेबल्स आपको करनी होती है ठीक है अगर की आप टेबल्स कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपकी जीके कवर हो जाती है तो तीन क्वेश्चन थे तीनों मॉडर्न हिस्ट्री से थे तीनों टेबल्स से क्वेश्चन थे लुसेंट की जो टेबल्स होती है लुसेंट के अंदर वो टेबल्स आपको सब्जेक्ट में करनी होती है उन टेबल्स में भाई कौन किसका फाउंडर था कौन सी संस्था का कौन सी मूवमेंट का क्या था किसी क्या, वो कौन सा कमीशन था वो सारी चीजें वो टेबल्स में कवर हो जाती है तो हिस्ट्री के अगर टेबल कवर कर लोगे तो मोर देन है तीन क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिले पॉलिटी से दो क्वेश्चन थे पॉलिटी के अंदर आपको जनरल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ठीक है ओके ज्योग्राफी के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट के ऊपर आपसे वैसे दो क्वेश्चन थे एक आप यहाँ पर भी देख सकते हो पार्क तो नेशनल पार्क वगैरह भी आप ज्योग्राफी में काउंट कर सकते हो ठीक है तो क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ था इकोनॉमिक्स से मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स के लिए ज्योग्राफी uh, से आप कर सकते हो फॉरेस्ट माउंटेन्स रिवर्स वगैरह वो सारी चीजें आप कवर कर सकते हो और इकोनॉमिक्स से दो क्वेश्चन आए हुए थे अभी पहले क्या था कि इकोनॉमिक्स से एक आधा क्वेश्चन आता था नहीं आता था तो अब अभी क्या है कि क्वेश्चन आपको 20 में से रेशियो इससे आपको रेशियो पता लग रही होगी कि भाई कौन कौन से किस रेशियो के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो वो आप उसके लिए थोड़ा दिमाग में सेट करके हाँ भाई लगभग इतने इतने क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप से आते हैं और यहाँ यहाँ से आते हैं तो आप कर पाओगे इकोनॉमिक्स से आप दो क्वेश्चन आए हुए थे एक ग्लोसरी जैसे मैंने आपको बताया है इकोनॉमिक्स में दो तीन चीजें भी कर लेते हो तो मोर देन सफिशियंट होती है जैसे कि भाई एक ग्लोसरी बेस ग्लोसरी होती है कि बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता हो बेसिक बेसिक लॉ आपको पता हो फाइव ईयर प्लान्स आपको पता हो तो वहां से आपकी इकोनॉमिक्स उतने ही करके आपके एग्जाम में जाए वो मोर देन सफिशियंट होती है बहुत ज्यादा अगर आप कवर करोगे तो चीजें नहीं हो पाती है क्योंकि जैसे मैंने आपको बुक सजेस्ट कर रखी है अगर आप वो भी करके जाते तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि जो जीके का सेक्शन है जीएस का सेक्शन है तो बीस में से लगभग लगभग बारह लग से तेरह क्वेश्चन आपके और हो जाते हैं ठीक है सेंसेस से एक क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री थे क्वेश्चन नहीं थे दो क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से थे ठीक है करंट अफेयर की बात करें तो देखो जैसे मैंने हमेशा बताया स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं और एक क्वेश्चन जनवरी की करंट से था एक क्वेश्चन जून की करंट से था तो कहने का मतलब ये है कि आपको लगभग लगभग नौ दस महीने की एक तो रिसेंटली बिल्कुल एक फरवरी में एग्जाम जनवरी की पूछी हुई है तो रिसेंटली पूछा गया एक और एक जून से पूछा गया तो लगभग लगभग आपका सात आठ महीने पुराना तो लगभग नौ महीने की जीके अपने तैयार करके चले ठीक है स्पोर्ट्स से करंट अफेयर तैयार करें, करें। मैंने जैसे आपको बताया स्पीडी करंट अफेयर की बुक आप फॉलो कर सकते हो उसमें अपॉइंटमेंट वगैरह भी आपसे पूछी जा सकती है ठीक है तो ये ठीक है मिस्लिनियस में फेस्टिवल आपसे पूछा है स्ट्रेटेजी के में बायोग्राफी बुक्स वगैरह आपसे पूछता है ठीक है और मिस्लिनियस कुछ भाई न्यूक्लियर हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकता है तो ऑलमोस्ट ओल, आपको जो चीज़ें करनी है जो मैंने आपको हमेशा बताई मैंने एक छोटी सी बुक आपको सजेस्ट कर रखी है हरियन पब्लिकेशन की मनोहर लाल पांडे तीस रुपए की बुक आती है बिल्कुल छोटी सी तो मेरा हमेशा एक स्ट्रेटेजी रहती है कि सबसे पहले वो कवर करो कि बीस में से आपके बारह नंबर आ पाए ठीक है फिर उसके अंदर ऐड करो तो जो उसमें पांच पांच सात सात पेजेज है अगर आप उनको कर लेते हो अरिहंत पब्लिकेशन मनोहर लाल 30 तीस पैंतीस रुपए की बुक आती है पांच पांच सात सात पेजेज दे रखे हैं पर सब्जेक्ट वो कवर कर लो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा बेटर फील करवाएंगी ठीक है तो मतलब एक बार दस से बारह पे तो आओ उसके बाद और चीजें करेंगे ठीक है पहले उसको तीन चार बार रिपीट करके फिर आपने लुसेंट की टेबल्स जो है मैंने आपको बताइए सभी सब्जेक्ट की लूसेंट की टेबल कर लो तो और करंट अफेयर कर, कर लोगे तो लगभग आप पंद्रह नंबर पे बीस में से पहुंच जाओगे उतना ही टाइम देना होता है बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो देखो सर्टेनिटी नहीं है निश्चितता नहीं है जीके या जीएस के अंदर ठीक है पर यह है कि एवरेज से थोड़ा सा प्लस आ जाओगे अगर जो मैं आपको हमेशा गाइड करता हूं वो आप चीजें करते हो तो ठीक है नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स मैथ्स के अंदर भी ईजी ही सेक्शन था क्योंकि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी ए, पी जी टी अगर आप या दो हज़ार इक्कीस के डी ट्रिपल एस बी एग्जाम देखो तो उसमें क्या था कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज्यादा था पेपर वन में कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा था बट फिलहाल मुझे मुझे देखने को मिला है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन पार्ट आपका बहुत ज्यादा नहीं मिला है मुझे ठीक है और सी आई एस आई दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले बिल्कुल सिंपल थे मैनश्योरेशन से दो क्वेश्चन थे एडवांस में से ध्यान रखना पे एक एरिया बेस्ड क्वेश्चन था एक वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन था ठीक है तो डायरेक्ट फोन याद है तो से आप निकाल सकते हो बोट एंड स्ट्रीम का मॉडरेट क्वेश्चन था डीआई के ऊपर दो क्वेश्चन आपको देखने को मिला एक चार्ट के उपर, दोनों चार्ट ही थे वैसे तो एक टेबल बेस्ड था एक आपका सर्कुलर बेस था ठीक है तो दो डीआई के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नॉर्मली क्या होता है कि जो टेबल बेस का क्वेश्चन होता है उनमें आपको सम वगैरह करना पड़ता है एवरेज वगैरह निकालनी पड़ती है बट बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता हम क्वेश्चन को देख के ये डिसाइड करते हैं कि हमें वो करना है या नहीं करना है परसेंटेज बेस पे अगर आपसे कोई ऑप्शन पूछ रखा है क्वेश्चन पूछ रखा है तो हम वहां पे उसको अटेम्प्ट जरूर करते हैं ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस पे दो क्वेश्चन थे वर्ग एंड टाइम पे आपके दो क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट है इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं स्पेशल आपको मैंशन करूँ कि भाई कैलकुलेटिव आया हुआ है नहीं नॉर्मल क्वेश्चन था बोड मास के ऊपर एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था फिर देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पे बिल्कुल बेसिक एक क्वेश्चन था नंबर सिस्टम के ऊपर सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे रेशियो बिल्कुल बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन था एक एलसीएम एच बेस पे था ठीक है आव, पूछ ली एक एवरेज पूछ ली के पहले छह नंबर्स की एवरेज बताओ बिल्कुल सिंपल सिंपल सा कहने का मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है मैं आपको ये कहता हूँ कि देखो अभी जो एग्जामिनर एग्जाम एक्वेन ले रहा है जब जैसे भी रिसेंटली होते रहते हैं ना एग्जाम सबका एनालिसिस होना चाहिए अपने दिमाग में अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आपके दिमाग में कि जो भी रिसेंटली एग्जाम होता है का उसको देखो एनालिसिस करो कि हाँ यार अभी ना एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो चीजें आपको हेल्प करती हैं आपकी थ्रू आउट स्ट्रेटजी बनाने में कि भाई मुझे कौन से सब्जेक्ट को किस किस टॉपिक को ज्यादा देना है ठीक है ये बेसिक अगर आपने एस एस सी वगैरह क्वालिफाई किया है एस एस सी की तैयारी की है तो आप मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा बीस में से ऑलमोस्ट आप अठारह से उन्नीस

फिलर्स में एक प्रीपोजिशन बेस पे द ब्लैंक पूछा जाता है एक के आ, आ, वर्ब के ऊपर वर्ब भरवाई जाती है द ब्लैंक में एक क्वेश्चन टैग था और एक एडवर्ब बेस पे था तो चार क्वेश्चन द ब्लैंक से आए हुए थे ठीक है तो ये हमेशा इसी तरह से आते हैं और इंपॉर्टेंट है साइनो तीन क्वेश्चन आए हुए थे और वो मॉडरेट थे बहुत ज्यादा टफ नहीं थे अगर आप कोई भी एक जनरल अगर आपके पास जैसे नीतू सिंह मैम की बुक है उसको आप फॉलो कर रहे हैं या एम बी पब्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं या ब्लैक बुक को फॉलो कर रहे हैं जो भी आप फॉलो कर रहे हैं मैं तो ठीक है तो मतलब मॉडरेट वकेब है बहुत ज्यादा टफ वकैब नहीं है कि बहुत ज़्यादा आ, लेटेस्ट वकैब आ गई हो तीन ईडियम्स थे और तीनों अभी जो इडियम है वो सेंटेंस बेस्ड आ रहे हैं तो वो बहुत हेल्प हो जाती है सेंटेंस बेस्ड पे जब इडियम आते हैं तो उनकी सेंस पता करना कि हाँ भाई किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है उसी सेंस से भी आप आंसर कर पाते हो ठीक है दो प्रोवर्ब बेस पे क्वेश्चन थे प्रोवर्ब को आपको बताना था सेंटेंस के अंदर के इसकी जगह कौन सी प्रोवर्ब यूज करी जा सकती है ये एक नई चीज है आपको जो देखने को मिलेगी ठीक है एंड तो सिंपल था एक क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया था ठीक है अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कंप्रीहेंशन के बारे में कंप्रीहेंशन सेक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट है पहले की तरह आपसे नहीं पूछ रहा है ठीक है पहले की तरह आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है में क्या पूछ रहा है आपसे कहने का मतलब आप अगर आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी है तभी आप आंसर कर पाओगे टाइटल आपसे पूछ लिया कि टाइटल क्या है टोन तो पहले क्या होता था क्वेश्चन पूछता था जिसे हम बचपन से करते थे भाई क्वेश्चन पढ़ते थे और उसका आंसर ढूंढते थे ठीक है अब यहाँ पर देखने को मिला है कि अगर आपको पूरी साइंस का पता होना चाहिए तभी आप कंप्रीएंशन के पांच क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे आपसे टाइटल पूछ रहा है आपसे टोन पूछ रहा है कि किसन की टोन कैसी है पॉजिटिव है नेगेटिव है इन्फ्लुंस मैसेज कैसा दे रहा है वो श्टे, और स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है ठीक है तो कहने का मतलब जो इसका थोड़ा सा नजरिया बदला है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सिंपल ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ो और उसको ढूंढो कहाँ है कहाँ है इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो ये था आपके हिंदी का मैं करना भूल गया बट हिंदी का भी इजी ही आया हुआ था लिखना भूल गया हूँ ठीक है बट इजी टू मॉडरेट है अगर आपने ल्यूशेंट कवर कर लिया है तो वो मोर देन सफिशियंट है इंग्लिश के अंदर अगर आप नीतू सिंह मैम की बुक फॉलो करते हो दैट इज मोर देन सफिशियंट और आ, ये ठीक है जो ईडीएम थे उसी के उसमें से आ जाएंगे तीनों के तीनों आपके तो सबसे पहले काम क्या होता है पहले एक स्टेप लाना होता है कि हाँ भाई मुझे इतना इतना करना है पहले ये ये चीज करनी है उसके बाद दूसरी करनी है अगर पहले मैं मैं ये कहता हूँ अगर इंग्लिश के लिए फॉलो करनी है तो पहले नीतू सिंह मैम की बुक फॉलो आप करोगे उसके बाद कोई दू, दूसरी बुक सजेस्ट करोगे जब टाइम बच जाता है पहले उसको दो से तीन बार करोगे चाहे उसकी वकेब है वकेब सेक्शन है उसमें प्रीपोजिशन सेक्शन है ईडीएम है ठीक है अच्छा वन वर्ड सिचुएशन आपसे नहीं पूछे गए हैं इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये चीज थी जो आपको मुझे बतानी थी अभी क्योंकि देखो एक टॉपर का हमेशा काम रहता है मेरा आपसे यही सजेशन रहता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका एनालिसिस थोड़ा सा दिमाग में रखो कि एग्जामिनर किस किस पैटर्न के ऊपर चल रहा है किस किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी अपनी स्ट्रेटजी का खेल करना होता है हमें तो हम पेपर वन के अंदर एट्टी के अराउंड जब स्कोर कर पाते हैं तो हमारा सिलेक्शन जो है वो श्योरिटी की तरफ चला जाता है और हमें आंसर की भी मैच करने की जरूरत नहीं होती है वैसे डी ट्रीप्लेस भी कभी भी स्टूडेंट के आंसर देता नहीं है तो आंसर की कोई वैल्यू है भी नहीं ठीक है तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आप इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इंग्लिश का ठीक है मैथ्स का ठीक है ओके अब क्योंकि हमें पता नहीं होता बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं कुछ और पढ़ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जनरल अवेयरनेस से कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो अगर आप कहोगे कि भाई डिटेल स्ट्रेटजी भी आप आ, हो तो मैं आपको बता पाऊंगा जैसे बायो बायो की बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए ठीक है जैसे मैंने स्पीडी आपको एक पतली सी बुक बताई है उससे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑनर्स वो चीजें चेंज हो जाती हैं करंट अफेयर आपको करना है लगभग लगभग लग, लग, आठ नौ महीने का ठीक है बायोग्राफी बुक्स वगैरह ऑथर्स वगैरह आपको बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी आपको पढ़नी है हिस्ट्री की टेबल्स आपको पढ़नी है के शेड्यूल्स पार्ट्स है आर्टिकल्स है इम्पोर्टेंट वगैरह और बेसिक कौन किसका चेयरमैन होता है वो सारी चीजें एज लिमिट वगैरह आपको याद करनी है इकोनॉमिक्स के अंदर आपको बेसिक ग्लोसरी याद करनी है सेंसस याद करना है फाइव ईयर प्लान्स याद करना है बेसिक लॉ आपको याद करना है ठीक है तो ये कहने का मतलब इन चीजों को रिपीट करो पहले फिर उसके बाद आप पहले सेक्शन फिर उसके बाद पूछना कि सर अब और क्या ऐड किया जाए तो यही था एक पेपर एनालिसिस आपका जो पेपर वन की आपकी तैयारी में हेल्प करेगा ठीक है जो इंपॉर्टेंट uh, है क्योंकि तो मैं आपकी जगह होता तो मैं जरूर देखता कि अभी एग्जामिनर uh, क्या देख किस तरह के क्वेश्चन देख रहा है तो इसको एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन यूज करो अपने पेपर वन की स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग uh, करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए ठीक है और फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ऐड करे आपको पता चलता रहे कि, कि और इसी तरह की वीडियो जो भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि भाई ये चीजें आपको पता होनी ही चाहिए मस्ट है क्योंकि एक टॉपर की तरह है, जब आप सोचोगे एनालिसिस करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे ठीक है तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर